We'll have the toast for the Purple Cap and the Dovu Crushers, the third last game of the round. So we have the match officials. Who is going to call? Dovu Crushers captain Raj Patel will call. Samaj is the call. Samaj it is. Raj, you won the toss. What will you do first? We'll bowl first. Back to you, Sachin. Is it a good loss for the toss? Yeah, actually, we wanted to bat first. All right, so from the toss, the Dovu Crushers have won the toss and elected to field first. Short delivery from Satish Hirani. A boundary. Hiran Kerai, Dash Panchani, Ghanshyam Siani, Kishan Bhindoria, and Deepak Rabadia. Ritik Budia bowling to Dash Panchani. Short delivery pulled by. A good shot. Full delivery to Pushkar Sharma, hitting it straight. Dovu Crusher ke captain ke dwara. Umpire ne not. थर्ड अंपायर का डिसीजन आउट, तो Dovu Crusher के लिए रिव्यू लेना एक विकेट, जो कि अपनी तीसरी ओवर डाल इस बार थोड़ी सी छोटी गेंद थी, खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया वहां पर. पुष्कर शर्मा जो कि एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है. अगली गेंद तुषार की, इस बार गेंद को लपेट कर खेला है वहां पर शॉर्ट मिड विकेट पे. ऊपर जो खिलाड़ी खड़े हैं जब तक हाथ डाल पाते एक विकेट के नुकसान पर. तुषार वाघानी अगली गेंद लेकर के पुष्कर के लिए, इस बार पुष्कर ने गेंद को उठाकर मारा है. किसी भी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं और गेंद सीधी मिड विकेट. रन के विशाल की इस अच्छी ओवर चल रही वहां पर, इस बार गेंद को स्वीप किया है. गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन के लिए. आखिरी गेंद जैसे ही पुष्कर ने देखा, अंपायर ने पुष्कर अगली गेंद लेकर के विशाल इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदी गेंद को ड्राइव किया है. गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है, कोई खिलाड़ी वहां पर नहीं और चार रन. इसी के साथ पुष्कर शर्मा अच्छी स्थिति में है. 13 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 87 रन बन चुके हैं. विकेट का जहां तक सवाल, इस बार गेंद को घूमकर मारने का प्रयास पर गेंद उतनी अच्छी तरह से नहीं आई, फिर भी गेंद बाउंड्री लाइन के ऊपर जा रही है. खिलाड़ी गेंद के पीछे आ रहे हैं, स्वीप के अंदाज में गेंद को ड्राइव किया था. इस बार चार रन का इशारा अंपायर का, उसको गेंद के ऊपर जाकर खेलना होगा क्योंकि विकेट नहीं गिरे हैं, तो इधर से जरूर स्कोर को मूव करने की कोशिश इस बार उठाने में कामयाब हुए. फिर से के चार रन के रूप में बाउंड्री लाइन के बाहर, इस बार फिर से आगे आकर गेंद को उठाया है. गेंद हवा में, देखना इस बार खिलाड़ी गेंद को पकड़ पाते या नहीं. जरूर लंबे शॉट खेलने का प्रयास करना चाहिए. फिर से नितेश ने इस बार गेंद को उठाया, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर और सीधा 6 रन के लिए. इस हिसाब से अगर बल्लेबाजी जारी रही तो काफी अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते. इस बार फिर से आगे आने की कोशिश, साफ बीट किया वहां पर, कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश नीतीश की. लंबा शॉट खेलना चाहते थे शेष नए बल्लेबाज, देखना है कि कौन जा रहे हैं. पुष्कर शर्मा
अगली गेंद लेकर के पुष्कर ने इस बार ऑन द टॉप खेला है, गेंद मिड विकेट बाउंड्री की ओर जा रही है, खिलाड़ी उसके पीछे जा रहे हैं, कोई मौका नहीं। जब तक गेंद के ऊपर खिलाड़ी पहुंचते तब तक गेंद गोली की रफ्तार, पुष्कर ने देखा और आखिरकार छोड़ने का प्रयास कर लिया। इस बार फिर से गेंद को खिलाया हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, लगभग पहुंच चुके हैं, पर फिर से मिस फील्डिंग और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर। चार रनों के लिए इस ओवर में लगने वाला ये एक गेंद आनी शेष है और स्कोर को जल्दी से आगे ले जाना है। इस बार आगे आने की कोशिश, वहां पर स्टंप आउट होकर वापिस पवेलियन आ रहे हैं, स्टंप आउट होकर 63 के निजी योग पर वापिस पवेलियन की ओर आ रहे। अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर और एक अच्छी पारी पुष्कर अपनी टीम को, तो जो पीछे आने वाले बल्लेबाज है उसको काफी ज्यादा दिक्कत इधर से नहीं होनी चाहिए और उसका फायदा दोनों बल्लेबाजों ने उठाया। इस बार आजिकिया ने गेंद को घुमाया है, गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से जाती हुई 6 रनों के लिए जबरदस्त शॉट, कप गेंद को उछाल कर सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक दिया। अजिंक्य ने फिर से अजिंक्य के लिए डाली हुई गेंद थी, गेंद सीधी फाइन बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है, लेग स्टंप के बाहर थी, गेंद वाइड, ऑलरेडी अंपायर करार दे चुके हैं और चौका। 5 रन दोनों बल्लेबाजों के द्वारा प्राप्त किए गए काफी, उसके बाद 9 बॉल डाली वहां पर। इस बार गेंद को घूमकर मारा है लेकिन गेंद सीधी सीमा रेखा की ओर जा रही है, 4 रनों के लिए फ्री हिट का काफी अच्छा फायदा वहां पर अजिंक्य ने उठाया। स्कोर तेजी से शांतिलाल भाई भंडेरी का। अगली गेंद लेकर के व्रज इस बार स्टेप आउट करके गेंद को हवा में उठाया है, देखना है खिलाड़ी वहां पर पहुंच पाते हैं नहीं। 2 टिप्पा खाने के बाद फील्डिंग की कोशिश जरूर, पर गेंद घूम गई और मिस फील्ड वहां पर 4 रनों के लिए। इस बार अगली गेंद व्रज की, इस बार फिर से उठाकर मारा है मिड विकेट के ऊपर से, पर इस बार कोई गलती नहीं, वहां पर वाघानी खड़े हैं एक आस, माफ कीजिएगा, हसीन वर्षानी है, जयंत वर्षानी नहीं है के दस्तानों में, बिना कोई रन और नुकसान के अगली गेंद लेकर के व्रज इस बार गेंद को उठाया है, गेंद काफी ऊंची हवा में, देखना है खिलाड़ी क्या कर पाते हैं, और कोई गलती नहीं वहां पर खड़े खिलाड़ी का पतन। नए बल्लेबाज जयंत वर्षानी जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। 5 विकेट के नुकसान पर सचिन के लिए अगली गेंद, इस बार सचिन ने स्टेप आउट किया है और जबरदस्त शॉट मिड विकेट के ऊपर से, एक लंबा छक्का सचिन के बल्ले से निकलता हुआ, कदमों का पूरी तरह से इस्तेमाल किया, इसी ओवर में करना है जो कुछ करना है। अगली गेंद, इस बार गेंद को पीछे खेला है, गेंद बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेती हुई गेंद सीधी फाइन बाउंड्री की ओर जा रही है, खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं और गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के ऊपर 4 रनों के लिए। काफी महंगे गेंदों में 12 रन दे चुके हैं। अगली गेंद लेकर के रिकेट, इस बार सचिन ने कदमों का इस्तेमाल किया है, गेंद मिड विकेट बाउंड्री की ओर जा रही है, खिलाड़ी की पहुंच से दूर और 1 टिप्पा खाने के बाद गेंद फिर से सीमा रेखा के बाहर। But the moment they brought the last over as a medium pacer, they got 20 plus runs. If you're the captain, what could have you done? You think bringing the medium as... That's a lovely cracking shot from Nitish, the short man, who in that position of catching it well. So Hiren just bowling short length. For the last 1.5 months, every day there's a game going on. Every day there are 2 different games going on. And the wicket still giving it all. So the groundsman, kudos. So that means he has to mix up and bring. Look at that. Nice shot. Satish looking solid. That is Karim. Deep.
So the strategy for the Dovo Crushers is not working out here. You have to come waiting to, or thinking to say, I am going to win this game. That's no matter top what. Page. In and lose, the progression goes on still. I think the intention from Satish was very clear. Kishore Banderi. That edgy shot for a boundary. So a short delivery to Prasang, hitting it on the mid on. Yards. Super fantastic shot. Oh, tell me. Of Dovo Crushers. Tusha Bagani plays for Ruaraka Sports Club. The four overs, or it's sometimes he has to leave one over for him to come and bowl later. Oh, he collects another big wicket of Kishore. Mehul Ashani. All eyes on Mehul Ashani. Lambe run up ke saath. सामने बल्लेबाज मेहुल आसानी मेहुल ने गेंद को कट किया. गेंद कवर बाउंड्री की ओर जा रही है. किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं और गेंद सीधी. हालात जो डोफो क्रशर के है, इस बार गेंद को ड्राइव किया है. गेंद मिड विकेट क्षेत्र में जा रही है. खिलाड़ी उसके पीछे जाए लेकिन कोई मौका नहीं और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर. चत रखते अगली गेंद लेकर के हिरेन इस बार फुल टॉस में लेकर गेंद को स्ट्रेट डाइव किया है. देखना है खिलाड़ी रोक पाते नहीं. पहले खिलाड़ी से मिस हुए, दूसरा खिलाड़ी उसके पीछे जा रहा है. नाकामयाब रहेंगे और गेंद सीधी. सात स्कोर 59 रन. अगली गेंद हिरेन की, इस बार घूम कर मारने का प्रयास. गेंद पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई है लेकिन फायदा उसका जरूर मिलेगा. अंपायर का इशारा देखना होगा. कर रहा था टारगेट की, तो टारगेट भी थोड़ा सा लंबा. इस बार पीछे जाकर खेलने की कोशिश, वहां पर गेंद विकेट कीपर से भी मिस हुई है. थर्ड बाउंड्री की ओर जा रही है और गेंद सीमा रेखा के बाहर. चार रनों के लिए अंपायर का इशारा. 11 गेंदों में 21 रन बनाकर मेहुल खेल रहे हैं. अगली गेंद इस बार अच्छी गेंद और खूबसूरत तरीके से वहां पर मेहुल को चकमा दिया और साफ बोल्ड आउट कर दिया. होकर पवेलियन की ओर मेहुल लौट रहे हैं. छठे विकेट के रूप में नए बल्लेबाज विशाल केराई जा रहे हैं. बारी बारी से चकमा दे रहे हैं बल्लेबाज को. इस बार गेंद को उठाने का प्रयास. ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, अंधाधुंध बल्ला घुमाया, बल्ला कहीं. इस बार गेंद को ऊंचा उठाया है और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर. चार रनों के लिए निखिल हरीश ने इस बार गेंद को उठाया है. वहां पर खड़े खिलाड़ी की कोई गलती नहीं, दर्श पंचानी खड़े हैं. 12 ओवर की समाप्ति. रिकित बुडिया नए बल्लेबाज डाल दिया है डोफो क्रशर के बल्लेबाजों के ऊपर. अगली गेंद, इस बार गेंद को मारा है. खिलाड़ी वहां पर खड़े 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 कैच करने की कोशिश, जज नहीं कर पाए और गेंद उसके सर के ऊपर से होती हुई. विशाल केराई इस बार रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेला है. काफी हद से सक्षम हुए वहां पर और उसका भरपूर फायदा बल्लेबाज को मिलेगा चौके के रूप में.
इस बार काफी खराब गेंद और दीपक की पहली ओवर में दीपक काफी महंगे साबित हुए थे, दूसरी ओवर ओवर डाल रहे, इस बार आउट होने का खतरा, काफी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। दीपक 17वें ओवर की शुरुआत और बल्लेबाज विशाल, इस बार विशाल ने आधा धुंध बल्ला घुमाया, 9 विकेट खो चुकी है डोफू क्रशर। डोफू क्रशर के इस बार गेंद को हवा में खेलाया, आउट होने का खतरा, पर खिलाड़ी नहीं वहां पर कोई, और गेंद सीमा रेखा की ओर जा रही है, खिलाड़ी जब तक पीछे से आकर गेंद को फील्ड करके थ्रो देते, रन आउट होने का खतरा, थोड़ी सी वहां पर मिस अंडरस्टैंडिंग हुई और दोनों बल्लेबाजों के बीच रन आउट। दूसरे रन लेने की हड़बड़ाहट में दोनों बल्लेबाजों के बीच थोड़ी सी